वेलकम टू द आशिमा शो। कभी मंदिर कभी मस्जिद, कितने ही सालों से ये कहानी चली आ रही थी अयोध्या से। कितने ही सालों से हम न्यूज चैनल्स पर इस टॉपिक पर डिबेट सुनते आ रहे थे, और आप सभी ये तो जरूर सोचते रहे होंगे कि ये अयोध्या डिस्प्यूट इतना लंबा और पेचीदा क्यों था। और सोचना जायज है, क्योंकि इस केस की हिस्ट्री कम से कम 500 साल से ज्यादा पुरानी है, जो कि टेक्निकली बताऊं तो शुरू हुई थी 1528 से, और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट सुनाई, जो हिंदू कम्युनिटी के फेवर में थी, यानी कि राम मंदिर बनाने की परमिशन उस डिस्प्यूटेड लैंड पर मिल गई, और गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी को 5 एकड़ लैंड अलॉट करने का आदेश दिया, जहां वो अपना मस्जिद बना सके। तो अगर हम जमीन के मालिकाना हक यानी कि टाइटल को कंसिडर करें, तो हम कब से देखेंगे, 1528 से जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, या फिर 1949 से जब इस मस्जिद में राम मूर्ति रखी गई थी, या फिर 1992 से जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इस केस का फाइनल डिसीजन क्या निकला अभी मैंने बताया, और वैसे भी अब तो ये हम सब जानते हैं, पर इतिहास शायद हम में से कुछ लोग नहीं जानते। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मोटा मोटा, इस कभी मंदिर कभी मस्जिद की ऐतिहासिक हिस्ट्री के बारे में। अलाहाबाद कोर्ट ने इस पर क्या कहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या थी, इस केस से जुड़े सबूत क्या क्या थे, और उनकी मांगे क्या थी, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं और आस्थाओं को दूर रखते हुए हिस्ट्री का दूसरा सबसे लंबा, जिसकी हियरिंग 40 दिन तक चली, उस पर वर्डिक्ट सुनाया। तो दोस्तों, इस केस में हिंदू पक्षों का कुछ कहना था और मुस्लिम पक्षों का कुछ और, इन सबके बीच क्या कहानी थी वो मैं आपको बताती हूँ टाइमलाइन के साथ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाली है। तो बात शुरू हुई थी 1528 में, जब बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी इन हिज ऑनर, और कंट्रोवर्सी ये आई कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनका मानना था कि इस मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था, और इस कंफ्यूजन के हीटअप होने की वजह से 1853 के बाद से ही हिंदूज एंड मुस्लिम्स के दंगे शुरू होने लगे। अब इन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आई, और ये सजेस्ट किया कि इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अंदर का हिस्सा मुस्लिम्स यूज कर लेंगे और बाहर का जो हिस्सा है वो हिंदूज यूज कर लेंगे, और ये कहकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एरिया की फेंसिंग करवा दी। उसके बाद 1885 में मैटर पहली बार कोर्ट में पहुंचा, जब बाहर के हिंदूज को अलॉटेड हिस्से में छत निर्माण की रिक्वेस्ट की गई, और ये सब इंस्टेंट्स है हमारे देश की आजादी से पहले के। अब बात करते हैं आजादी के बाद क्या हुआ। तो आजादी के बाद सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1949 में, जब मस्जिद के मेन पार्ट में भगवान राम जी की मूर्ति रखी गई थी। तो अब हुआ क्या कि क्योंकि वहां भगवान राम की मूर्ति थी, तो हिंदू उस पार्ट की भी पूजा करने लगे, जिससे कि सिचुएशन फिर से गर्माई। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पूरे एरिया को ही क्लोज कर दिया, यानी कि कंप्लीट बैन, ना हिंदू अंदर जा सकते हैं और ना मुस्लिम्स। अब ये बात तो अच्छी नहीं कि रिलीजियस जगह को बैन कर दिया गया हो, तो बहुत सारे सिविल केसेस फाइल किए गए। अब फिर 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदुओं की पूजा करने के लिए केस फाइल करते हैं। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने केस फाइल किया, ये कहते हुए कि इस पूरे एरिया का पोजीशन हमें मिल जाना चाहिए। और फिर 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस फाइल किया कि बाबरी मस्जिद का जो मालिकाना हक है वो हमें यानी कि मुस्लिम्स को मिल जाना चाहिए। अब ऐसे मैटर्स के डिसीजंस मोस्टली कोर्ट में ही होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स ने भी इंडिविजुअल बेसिस पर अपनी तैयारी शुरू कर दी, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बना ली थी। अब जब ये सब चल रहा था, तो उसी दौरान वो जो केसेस फाइल हुए थे उनके रिजल्ट्स भी सामने आने लग गए थे। तो एक नतीजा ये था कि 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने इस पूरे एरिया में पूजा करने के लिए हिंदूज को परमिशन दे दी। अब जायज है कि मुस्लिम्स को ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भी अपनी एक कमेटी बनाई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, सिचुएशन बहुत गर्माने लगी। इसके बाद 1990 में मिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ड्रामेटिक रहे, सिचुएशन टेंस हुई और कुछ हिस्सों में दंगे तक हुए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 6 दिसंबर 1992, जब हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया और उसी जगह एक टेम्परेरी राम मंदिर बना दिया। और इस इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया के कई शहरों में बहुत दंगे हुए, और इस सिचुएशन को देखते हुए इमीडिएटली उसी महीने 16 दिसंबर को मस्जिद के तोड़फोड़ में कल्प्रिट कौन था
और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिब्रहन कमेटी अपॉइंट करी गई और इस टाइम पर सेंटर में थी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट। और इस पर कांग्रेस गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था कि इस डिस्प्यूटेड लैंड पर एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी, म्यूजियम और बाकी फैसिलिटीज का निर्माण करवाना चाहिए और कांग्रेस के इस प्रपोजल को बीजेपी ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया था। ये थी 90s तक की स्टोरी। अब आ जाते हैं 2002 में, जब सेंटर में आई थी बीजेपी गवर्नमेंट। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने भी कोशिश करी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स में बातचीत करके अगर कोई सोल्यूशन निकल पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। ये सब होने के बाद फिर 2002 में ही अलाहाबाद कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई और सुनवाई के लिए अलाहाबाद कोर्ट ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। तो बताती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो ASI की रिपोर्ट से हमें पता लगे थे। तो उनके अकॉर्डिंग 12th सेंचुरी में इसी एरिया में एक मंदिर था, हालांकि इसका कोई असल सबूत ASI पेश नहीं कर पाई और 1528 को इस लैंड पर एक मस्जिद बनाया गया था। बीच के जो 300 साल का जो टाइमलाइन है उसके लिए कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है। और डॉट्स को कनेक्ट करें तो वहां के कुछ लोकल लोगों का ये कहना था कि ये मस्जिद एक मंदिर को गिराकर ही बनाया गया था। अब 30th सितंबर 2010 को अलाहाबाद कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें उन्होंने इस पूरे एरिया को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा गया राम लल्ला विराजमान को, दूसरा हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को और बीच का बचा हुआ तीसरा हिस्सा गया सुनी वक्फ बोर्ड को। ऑफ कोर्स ये अलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 9th मई 2011 को इस डिसीजन पर रोक लगा दी। इसके अलावा अलाहाबाद कोर्ट की जजमेंट पर टिप्पणी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूरे एरिया को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए ये अनसस्टेनेबल जजमेंट था, गलत रिलीफ था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी रिलीफ किसी भी पार्टी ने मांगी ही नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू होगी। सभी जस्टिस और मीडिएशन पैनल ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक हियरिंग चली और उसके बाद पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने को बोला। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मतलब जो भी पार्टीज ने अपना क्लेम मांगा था अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो ना दे तो उसके अलावा उन्हें क्या चाहिए ये जमा करने को बोला। और फिर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ कही सुनी बातों पर बेस्ड या फिर सिर्फ ASI की रिपोर्ट पर बेस्ड किसी भी जमीन का मालिकाना हक डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमीन का जो टाइटल है वो लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड या फिर एविडेंस पर बेस्ड होकर डिसाइड किया जाता है। और एविडेंस क्लियरली ये दिखाता है कि मस्जिद होने के बावजूद उस एरिया में हिंदूज की पूजा करने पर कभी रोक टोक नहीं लगाया गया था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केस हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड है तो प्रोबेबिलिटीज पर रिलाय करते हुए ये तो सेटल्ड है कि बाहर के हिस्से में 1857 से हिंदू पूजा करते आ रहे हैं जिससे उनका कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुस्लिम्स के जो नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई थी वो 23 दिसंबर 1949 से लगाई गई थी, मतलब उस दिन से जब से मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी, जिससे मुस्लिम्स का अपने 400 साल पुराने मस्जिद में राइट टू वर्शिप डिप्राइव हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को यूज करते हुए जो भी गलतियां हुई थी उसे सुधारते हुए 9th नवंबर 2019 को ये फैसला लिया कि बाबरी मस्जिद वाला 2.77 एकड़ वाला एरिया राम लल्ला विराजमान को जाएगा और किसी और जगह 5 एकड़ की जमीन सुनी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। और अभी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के अलॉटेड लैंड पर भूमि पूजन किया, जिससे कि अयोध्या समेत पूरे देश में दिवाली सा पर्व मनाया गया। ये नया बनने वाला मंदिर आपको बताऊं तो प्लान के अकॉर्डिंग 161 फीट टॉल बनाया जाएगा, जिससे कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक होगा। 360 खंभे जो 10 एकड़ के लैंड को कवर करेंगे और इस मंदिर का निर्माण 2023 तक पूरा होगा। और साथ ही 2021 में तैयार होने वाला अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी राम मंदिर के मॉडल पर आधारित होगा, जिससे उम्मीद है कि टूरिज्म में भी अच्छा सहयोग देगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।